मानती हूँ बहने, आप लोग करें, आप लोग अपने लिए करो, अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए करो। आप लोग दूसरों को शो ऑफ नहीं करोगे। अगर भाई मैं ब्रांड पे चला गया हूँ तो आप भी जाओ भाई, जिसका जो दिल करता है वो पहने, वो उसी तरह से करे। अगर कोई कम ब्रांड के बगैर भी पहन के जो है वो अच्छा लगता है, तो ये उसकी पर्सनैलिटी है। और मेरे ख्याल से सब चीज़ें पर्सनैलिटी पे डिपेंड करती हैं। कुछ लोग जो हैं मुंह जब तक बंद रखते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बोलने लग जाते तो उनका बैकग्राउंड पता चल जाता है कि वो किस बैकग्राउंड से पहना और ओढ़ा हुआ सब कुछ जो है वो एक साइड पे हो जाता है। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। स्मैचा लियोन के चैनल में आप सबको वेलकम है। तो गाइस, आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो कल की अच्छी लगी होगी। सब लोग जो है वो कहते थे कि मैं अपना फेस रिवील नहीं करती हूँ, मैं बहुत कम वीडियो में आती हूँ। तो अब मैंने ये सोचा कि मैं वीडियोस जो है आप लोगों के लिए अपलोड किया करूँगी। और ये देखें, आज मैंने जो है ये वेयर किया है हाथ पे, ये आप पोनी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा दिल किया तो मैंने यहाँ पहन लिया। ये भी एक तरह का ट्रेंड है, फैशन है। तो मैंने आज जो है वो ना थोड़ा सा हेयर कलर चेंज किया था, और मुझे बस इतना ही अच्छा लगता है कलर जस्ट पफ पे। और आप जब इसको ओपन करते हैं तो तब भी वो जो है वो बहुत अच्छा जो है वो शो होता है कलर। और पूरा मुझे कलर नहीं पसंद आए बालों पे। और गाइस, वैसे तो पेंट्स भी मिलते हैं, स्प्रेज मिलते हैं, आप जब चाहें थोड़े घंटों के लिए कर सकते हैं। तो मेरा आपने जो है वो आने वाले ब्लॉग्स मिस नहीं करने हैं। और जो है आपको सबको मैं गाइस, आप जो है मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, तो मैं आप सबको जो है वो दिल से जो है तहे दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई विल थैंक्स टू यू गाइस कि आपने जो है वो रिची के लिए प्रेयर करी। और थैंक्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वो रिची जो है वो एक ही रात में जो है बहुत ही उसको फ़र्क पड़ा, और अभी उसको मैंने कोई मेडिसिन नहीं दी थी, बिल्कुल वो ठीक है रिची। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और एंजॉय भी करते होंगे, तो दैट्स व्हाई आप मेरी वीडियो देखते हैं। और मैंने अपना अभी ये मैं देख रही थी वीडियो, ये देखें जी, ये जो मैंने कल अपलोड किया है इस पे एकदम से व्यूज़ हुए हैं। तो थैंक यू गाइस कि आप लोगों ने मुझे जो है वो देखकर वीडियो जो है वो व्यू करा, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। तो इसलिए मैंने इसी खुशी में आज सोचा कि मैं एक और आज जो है वो वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि मे भी शायद मुझे देखकर भी कुछ लोग जो हैं वो वीडियो जो है वो प्ले करते हैं। एनीवेज, आज मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है कि जो लोग आप को जो है सिंपल मैंने ही बोलना होता है अभी, क्योंकि लियोन नहीं है तो मेरे पास सिर्फ कंटेंट सिर्फ बोलने का ही है, तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग ठीक रहें, सब खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में खुश रहें, और जिन लोगों ने जिनके कर्जे लिए हुए हैं वो वापस कर दें। सो काइंडली, मेरा ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोग जो है वो मतलब किसी को भी कर्जे में नहीं डूबना चाहिए, रिलीफ होनी चाहिए, और ये एक बहुत ही जो है वो बुरा इम्पेक्ट है। आप अगर किसी से कोई लोन लेते हैं तो उसको आपको उतारना भी होता है, लेकिन अगर उस पे जो है वो मतलब किसी से अगर आप लेते हैं, नो आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द बैंक और एनी कंपनी, किसी से आपने अगर किसी का लोन दिया है किसी से, तो उसको प्लीज़ काइंडली आप वापस कर दें, ठीक है? क्योंकि बाज़ुकात लोग अपने कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म कर देते हैं, ना तो व्हाट्सएप पे होते, ना फेसबुक पे मिलते हैं, ना इंस्टाग्राम पे, कोई भी उनको ज़रिया नहीं होता, हमें कोई भी जो है वो वे नहीं है उसको कांटेक्ट करने का। तो मैं इसी के थ्रू कहूँगी कि आप लोग दूसरों की परेशानियों का बायस ना बने। उनको जो है मुझे किसी ने कहा था तो मैंने इसलिए ये
जो है वो मैसेज, मैं उनका नेम तो रिवील नहीं करूँगी, बट प्लीज़ ये चीज़ें आप लोग देखा करें और क्लियर करें। और बाकी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी बहुत अच्छे ही ब्लॉग के साथ। जो है ना ऑफिस में थोड़ा इस तरह से हल्के से बाल जो है वो अच्छे लगते हैं, आए होने चाहिए, क्योंकि आपने कंप्यूटर पे काम करना होता है, लैपटॉप यूज़ करना होता है, तो वो फिर आपको जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए मैं ऐसे जो है वो कर लेती हूँ। और आज जो है वो अभी टी टाइम थोड़ा लेट लूँगी मैं, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने आज आते ही बिरयानी खाई, लेकिन आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई, आई एम वेरी सॉरी, कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो आज ऑफिस आते ही जो है वो मैंने पहले तो बिरयानी खाई थी, और लियोन को भी मैंने बिरयानी लेके दी, और उसने मैगी और जूसेस और कुछ चीज़ें ली, और फिर उसको मैंने घर भेजा, और फिर मैं अपना जो है वो खाना फेंक के यहाँ पे आ गई, और मैंने यहाँ आके खाया और बहुत इन्जॉय किया। तो खैर टाइम ऐसे ही कंज्यूम करना चाहिए, जो चीज़ पहले हो वो पहले कर लेनी चाहिए, और आपको डिवाइड करना आना चाहिए। मेरा तो ये है कि मैं पूरा जो है अपना रात में सोचती हूँ, अपना टाइम टेबल बनाती हूँ कि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे क्या करना है, किस तरह से उसको टाइम को लेके कंज्यूम करना है, किस तरह से चलना है, तो वो चीज़ें मैंने पहले सोची होती है, लेकिन समटाइम्स जो है वो एकदम से जो है इमिजिएटली कुछ चीज़ें करनी पड़ जाती हैं जो आपने सोची भी नहीं होती, वो हो जाती हैं। तो कुछ चीज़ें जो है मैं पहले भी रिवील नहीं करना चाहती हूँ। आपने कल संडे है, तो संडे जो है वो एक ऑफ डे होता है हर तरह से, तो वो आपको कई दफ़ा नहीं पता होता कि आपने क्या करना है। एनीवेज कल भी एक प्लान है, तो उसमें मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए अच्छा ब्लॉग बनाऊँ। तो ये 2 दिन जो है वो आप लोग मेरा ही फेस देखेंगे ब्लॉग में, क्योंकि मैं बच्चों को नहीं ले पाई, क्योंकि जब मैं बच्चों को लेती तो फिर मैं खुद को नहीं ले पाती हूँ ब्लॉग में, तो इसलिए आज जो है वो 2 दिन मैंने आपको अपने जो है वो दिए हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई जो है वो रही बात है ह्यूमन बीइंग है, तो उनको जो है वो जरूरत पड़ जाती है, कभी ऑफ लेना पड़ता है, हमें भी कभी ऑफ लेना पड़ता है, कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है या कुछ ज़रूरत होती है, कभी ऑफ करना पड़ जाता है ऑफिस से, तो ऑफिस बॉय का भी हक बनता है कि उनको भी कोई काम होता है, कुछ मजबूरी हो सकती है, ऑफ करते हैं। आ जाते ही बिरयानी भी मैंने खुद ही सर्व करी, और आज मैं चाय भी जो है वो खुद बनाऊंगी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट मैं बनाऊंगी, क्योंकि दिल नहीं कर रहा, डिपेंड करता है दिल पर, तो मूड नहीं है, क्योंकि ये होता है कि हम काम कर रहे होते हैं और ऑफिस में मतलब एक असूल ही बना हुआ है कि आपने जो है वो इंतज़ार करना होता है, ऑफिस बॉय आए तो चीज़ें वो जो है हमें सर्व करे हर तरह से, लेकिन मैं जो है मुझे बुरा नहीं लगता, आप लोगों को भी अपनी सेल्फ सर्विस कर लेनी चाहिए कभी कभी, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, और कहीं बड़ी जगह खाने से छोटा इंसान बड़ा नहीं हो जाता, या बड़ा इंसान छोटा नहीं हो जाता, कि छोटी जगह भी खाने से बड़ा इंसान छोटा नहीं हो जाता, और कोई बड़ी जगह खाने से छोटा इंसान भी कुछ बड़ा नहीं हो जाता, या बड़ा इंसान छोटा नहीं हो जाता, हम कहीं पर भी खा सकते हैं, कोई छोटी बड़ी जगह नहीं देखनी चाहिए, सिर्फ हमें भूख देखनी चाहिए। कुछ लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम जो है वो मैं कई दफ़ा जो है वो कहीं पर जैसे मैंने गोलगप्पा खा लिया है, पानी पूरी खा लिया लियोन के साथ, या कुछ किसी जगह पे बैठ गई हूँ, तो ये नहीं है कि वो बुरी है, मुझे भी पता है मेरा चाइल्ड है, मेरा किड है, मेरा बेबी है लियोन, और मुझे पता है कि लियोन के लिए क्या हेल्दी है, कौन सी अच्छी जगह है, कौन सी बुरी जगह है, हमारे पास हर वक्त सैनिटाइज़र होता है और पानी भी होता है, तो हम कहीं पर भी हाथ धो सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं, तो ये जो है आपकी सफाई आपके हाथ में होती है, और मैं देख के ही बैठती हूँ जहाँ पर भी मुझे जो होता है, और मैं शो ऑफ तो करती नहीं हूँ कि चीज़ें जो होता है वो आप लोगों के सामने होता है गाइस, कि जो हम लोग कर रहे होते हैं वो रियलिटी होती है, और जैसा ही शेड्यूल होता है वो मैं आप लोगों से ज़रूर कोशिश करती हूँ कि शेयर करूँ। जैसे ईद पे मैंने बहुत ज़्यादा खाने बनाए, तो मैंने वो व्लॉग्स आप लोगों से शेयर किए, और जो है आने वाले
दिनों में मैं जो भी करूँगी वो आप लोगों से गाइस मैं शेयर करूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा सब, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों की दुआओं में बहुत असर है कि मेरा बेटा जो है वो रिची जो है वो एकदम से ठीक हुआ है, और मैं ट्रस्ट करती हूँ। हालांकि मुझे कुछ लोग कहते हैं, मुझे एक दो ने बोला, मैं नाम रिवील नहीं करती हूँ ऐसे कामों में किसी का, कि आप स्टेटस पे भी लगा देती हैं और आप बोलते भी हो, तो आप अपनी दुआ पे क्या यकीन है? ऐसा नहीं है, हम लोग जो है वो दुआ तो करते हैं, भी दुआ भी होते हैं, लेकिन जो एक कलेक्टिवली दुआ होती है, क्योंकि किसी की दुआ में भी बहुत ज़्यादा असर हो सकता है, तो पता नहीं किसकी दुआ कब लग जाए, तो ये हमें मतलब पता नहीं होता। और मैं तो ट्रस्ट करती हूँ इस तरह से, इसलिए मैं बोलती ज़रूर हूँ। और थैंक यू सो मच कि किसी की आज मैंने जो है रिची और लियोन की नज़र भी उतारी है। कुछ लोग जो हैं इस पे भी बिलीव नहीं करते कि नज़र भी लगती है या नहीं, कुछ लोगों की फैमिलीज भी ट्रस्ट नहीं करती इस चीज़ पर, भी अपने अपने सबके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, तो ये चीज़ें होती ज़रूर है, और आप लोगों को ट्रस्ट करना पड़ता है कुछ शायद। ये इसको शो ऑफ कह सकते हैं कि हम नहीं करते या इस तरह से। और एक चीज़ मैंने आप लोगों से और शेयर करनी थी, भाई ये ब्रांड कॉन्शियस जो है, आई जस्ट हेट देन दैट काइंड ऑफ पीपल्स हु से दैट आई एम ब्रांड कॉन्शियस। सो ये चीज़ें भी अपने माइंड से निकाल दें, भी पहले कौन से ब्रांड शैंड होते थे, और अब आके अगर आप लोग जो है वो बोल रहे हो ब्रांड या इस तरह से, तो ये आपकी जो है वो मेंटेलिटी है, ठीक है? ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये बहुत ही, मैं कहती हूँ कि मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लगता। बाज़ूकार जो है वो अच्छा बंदा भी ब्रांड नहीं पहनता, अगर उसकी पर्सनालिटी अच्छी है और उसने कोई कॉमन सा जो कपड़ा पहना है, लेकिन वो ब्रांडेड लगता है क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ऐसी होती है। और बाज़ूकार कोई पर्सनालिटी अगर उसकी नहीं है और वो ब्रांडेड भी पहनता है, तो फिर भी उस पर जो है वो शो मतलब इतना वो उसकी पर्सनालिटी इन्हेंस नहीं हो रही होती, तो ये क्या प्रॉब्लम है? किस चीज़ का प्रॉब्लम है? आपकी मेंटली लेवल का प्रॉब्लम है ये, तो आप जो है इसको चेंज करें। ये ब्रांडेड ब्रांडेड जो है ठीक है, मैं मानती हूँ पहने आप लोग करें, आप लोग अपने लिए करो, अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए करो, आप लोग दूसरों को शो ऑफ नहीं करोगे। अगर भाई मैं ब्रांड पे चला गया हूँ तो आप भी जाओ, भाई जिसका जो दिल करता है वो पहने, वो उसी तरह से करे। अगर कोई कम ब्रांड के बगैर भी पहन के जो है वो अच्छा लगता है, तो ये उसकी पर्सनैलिटी है। और मेरे ख्याल से सब चीज़ें पर्सनैलिटी पे डिपेंड करती हैं। कुछ लोग जो हैं मुंह जब तक बंद रखते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बोलने लग जाते हैं तो उनका बैकग्राउंड पता चल जाता है कि वो किस बैकग्राउंड से पहना और ओढ़ा हुआ, सब कुछ जो है वो एक साइड पे हो जाता है, ऐसे भी तो होता है। तो इसलिए आप लोग ये चीज़ें प्लीज़ मैं कहती हूँ कि ये कम कर दें अपनी सोसाइटी में, तो जो है वो बेहतर हो जाएगा, सोसाइटी माहौल बेहतर हो जाएगा। तो गाइस अब मैं अपनी वीडियो जो है यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मेरी जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैंने बच्चों को भी कॉल करनी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे बच्चों को दुआ में याद रखिएगा, और मेरी वीडियोस इस तरह देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, और कमेंट्स भी कर दिया करें। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी कि ये किसी ने क्यों कमेंट किया है, आप कमेंट कर सकते हैं भाई, इट्स ओपन यूट्यूब चैनल, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कमेंट मी ऑन दैट ब्लॉग। सो गुड बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू गाइस। जो दिल में आता है वही कीजिएगा, और जब दिल में आता है तब कीजिएगा। गुड बाय गाइस।